चौरी चौरा में पुलिस द्वारा 3 सपा के नेताओं पर 25,000 का इनाम रखने पर सपाइयों ने जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में सपा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि 25 मार्च को चौरी चौरा में शहीद धनंजय यादव का शव आया था, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त हो गया था, जहाँ कुछ अराजक तत्वों ने वाहनों का तोड़फोड़ किया और पत्थरबाजी करके माहौल को खराब किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिससे कुछ अराजक तत्वों के साथ सपा के नेताओं को आरोपी बनाया गया और कुछ लोगों के ऊपर इनाम भी रखा गया था, जिसको देखते हुए हम लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन दिया और मांग किया कि उक्त प्रकरण में CCTV व वीडियो का जांच करते हुए उचित कार्रवाई करें, जिस पर DM ने आश्वासन दिया है कि हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी गलत व्यक्ति जेल ना जाए। इस अवसर पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद शाहनी, महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, मनोरंजन यादव जी, नरसिंह यादव जी, डब्बू सिंह, डब्बू खान तो हमने फोन किया कि घाट पे आए, तो वहाँ तो बोले नहीं सर घर पे आ जाइए, अभी अभी बाड़ी घर पे है। तो मैं लकड़ी गया तो देख रहा हूँ बहुत भीड़ जुट हुई है, बड़ी फोर्स जुट है, 4-5 वकील भी तहसील से आ गए, तो ये माजी सब लेके चले गए। हम लोग उनके घर पे ही बैठे, बैठ करके एप्लीकेशन बना, उनकी मांग पत्र नोट की, एक मांग वो लोग कर रहे थे जिसको मैं नहीं मान रहा था, उसमें पोस्टमार्टम कर रहा था, कहा नहीं वो संभव नहीं। वो सब बन गया, बनने के बाद वो टाइप हो जाए कहीं, तो वकील लोग टाइप कराने ले गए। हमने कहा मैं तो जब मौके पे गया तो देखा तो ये लड़के डीजे उजे पूरा लगा करके चौराहे पर अपना कर रहे थे, तो हमने कहा ये तो समझता नहीं नजर आ रहा मामला इस तरीके से। और हम लोग जब अभी बात करने लगे तो हम लोग से भी टपटा से भी खसे, तो मैं वहाँ से चला आया, फिर मेरी आपसे बात। DM साहब से हम मिलने आए थे चौरी चौरा में, शहीद धनंजय यादव की जो शव था वो आया था एम्बुलेंस के द्वारा, जिसके द्वारा क्षेत्र में एक आक्रोश व्याप्त हो गया था, लोगों में जनता में आम जनता में आक्रोश हो गया था, जिसको लेके एक चौरी चौरा में आंदोलन हुआ परसों। उस आंदोलन में तमाम बातें सामने आई, प्रशासन भी लगा रहा, हम लोग भी लगे रहे, और अंततो गत्वा वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करके माहौल को ख़राब किया, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों को नेम्ड कर दिया गया है, इनाम रखा गया है, जबकि सच्चाई प्रशासन भी जानता है कि कोई पॉलिटिकल आदमी उस आंदोलन में शामिल नहीं था, सब लोग बल्कि सहयोग करने में लगे थे। तो यही हम लोग अनुरोध करने आए थे कि आप सर जांच करा लीजिए, आपके पास CCTV फुटेज है, आपके पास वीडियोग्राफी है, सब कुछ उपलब्ध है, जो गुनाहगार हैं हम उनके लिए कोई पैरवी नहीं है, लेकिन हमारे बेगुनाह पदाधिकारियों को जो सजा दी जा रही है उसकी उचित कार्रवाई करके उन लोगों को इससे छूट दी जाए। आज ज्ञापन दे क्या आश्वासन मिला DM? हाँ, आश्वासन DM साहब से यही मिला है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि कोई गलत आदमी इसमें ना फंसे।